अब द्विंद्रियों में देखते हैं, द्विंद्रियों में सूक्ष्म और बादर ऐसा भेद है ही नहीं है, तो कौन सा भेद है? हाँ, ये पर्याप्त और अपर्याप्त है, यानी उसमें सभी बादर ही होते हैं। द्विंद्रियों में द्विंद्रिय आदि सभी ऊपर के जो जीव है वो तो बादर ही है। एकेंद्रिय में दो टाइप पाए जाते हैं, कोई सूक्ष्म और कोई बादर है। तो द्विंद्रिय आदि लिखा है ऊपर, यानी पहले हम द्विंद्रिय में घटित करेंगे। तो द्विंद्रियों में उत्कृष्ट बंध जो मिथ्यात्व का हमने कितना देखा था? हाँ, 25 सागर। द्विंद्रियों में उत्कृष्ट बंध मिथ्यात्व का 25 सागर देखा। वो द्विंद्रियों में से कौन से टाइप को होगा? पर्याप्तों के होगा कि अपर्याप्तों के होगा? पर्याप्तों के होगा। तो द्विंद्रियों में जघन्य स्थिति बंध कितना देखा था हमने? 25 सागर माइनस पल्य का संख्यात्व भाग, है ना? तो ये जघन्य भी किसके होगा? द्विंद्रिय पर्याप्त को होगा। यानी द्विंद्रियों में उत्कृष्ट बंध भी पर्याप्तों को होगा और द्विंद्रियों में जघन्य बंध भी पर्याप्तों का होगा। इतनी बात ख्याल में आई? अभी अपर्याप्तों का, पर्याप्तों का जो उत्कृष्ट है उससे अपर्याप्तों का उत्कृष्ट थोड़ा नीचे है, कम है, और ये अपर्याप्तों का जघन्य भी बीच में है। यानी इन दोनों की उत्कृष्ट और जघन्य की रेंज जो है, मर्यादा जो दोनों ओर से, वो कम है, और इसके उत्कृष्ट की ओर भी अधिक है और जघन्य की ओर भी और नीचे तक है। तो एकेंद्रियों का कितना हमने देखा? 1 सागर से लेकर यहाँ पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम। अभी हम एकेंद्रिय द्विंद्रिय में नंबर लगाएंगे तो ये 8वां ही स्थान पहले एकेंद्रियों के हो जाएंगे, 1 सागर। फिर उसके ऊपर ये 25 सागर वाली जो रेंज है द्विंद्रियों के होगी, उसके ऊपर किसका नंबर लगेगा? 3 इंद्रिय के 4 स्थान हो जाएंगे, उसमें भी पर्याप्त ऊपर है और नीचे है और अपर्याप्त बीच में है। उसके ऊपर हो गए 4 इंद्रियों के स्थान, स्थितिबंध के स्थान हम देख रहे हैं, उसमें भी 4 इंद्रिय के पर्याप्त को अधिक से अधिक और फिर कम से कम। उसके बाद असंगी का नंबर, अब सबसे ऊपर किसको लेंगे हम? संगी पंचेंद्रियों को। परंतु क्या संगी पंचेंद्रियों को सबसे ऊपर ले सकते हैं? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एकेंद्रियों के 8वां स्थान सबसे नीचे है, ये 8 स्थान, ये जो है 1 से 8 स्थान, क्योंकि यहाँ कितनी स्थिति है तो 1 सागर और उसमें जो कुछ पल्ले का असंख्यात्वा भाग कम। उसके ऊपर द्विंद्रिय के 4 ही स्थान हो गए, क्योंकि ये 25 सागर और उसमें कुछ कम होते हैं। उसके ऊपर 3 इंद्रियों के 4 स्थान हो गए, क्योंकि ये 50 सागर के आसपास हो गए। फिर 4 इंद्रिय के 4 स्थान हो गए, क्योंकि वो 100 सागर और कुछ कम हो गए। फिर उसके ऊपर असंगी के 4 स्थान हो गए, क्योंकि वो 1000 सागर उसमें कुछ पल्ले का संख्यात्वा भाग कम हो गए। उसके ऊपर क्या क्या लिखा है? सर्वोत्कृष्ट स्थान किसको होता है? संगी पर्याप्त के उत्कृष्ट होता है। जो हम मिथ्यात्व की बात करनी है तो संगी पर्याप्त जीव है वो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थितिबंध 70 कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण करता है। अब यहाँ अपर्याप्त का उत्कृष्ट कितना होगा? 10 कोड़ाकोड़ी सागर। अपर्याप्त का जघन्य उसका ही कोई 10 कोड़ाकोड़ी वाला जो कुछ बंध है। परंतु संगी में, संगी का जो जघन्य वो यहाँ नहीं लिखा, कहाँ लिखा? एकेंद्रिय से भी नीचे लिखा। एकेंद्रिय के जो कम से कम सागर और उसमें जो कुछ कम थी उसके भी नीचे संगी पंचेंद्रियों का जघन्य लिखा। वो कब होता है? मात्र क्षपक श्रेणी में होता है, अन्यथा यदि हम ऑर्डिनरी देखेंगे, अभी क्षपक श्रेणी को छोड़कर, यानी ये श्रेणी वालों को छोड़कर, मुनिराजों की अवस्था में भी अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण तो बंद होता ही होता है। इससे कम बंध कब होता है? ये श्रेणी में होता है। इसलिए श्रेणी की अपेक्षा उनका बंध एकेंद्रिय से भी कम होता है, जो अभी अभी हमने देखा था। अभी हमने देखा था ना, 4 संबलों का कितना होता है, ज्ञानावरण का कितना होता है, नाम गोत्र का कितना होता है। यानी इतना अल्प बंध एकेंद्रियों से भी कम ऐसा वाला संगी पंचेंद्रियों को ही होता है, वो भी मात्र क्षपक श्रेणी में होगा। ये मिथ्या दृष्टि आदि को इतना कम बंध नहीं होगा, ये बात यहाँ हमें ख्याल में आती है।
तो ये जो ऐसे उसके काल है, तो ये इसके शॉर्ट फॉर्म लिए, बा यानि बादर, सु यानि सूक्ष्म, प यानि पर्याप्त, अ यानि अपर्याप्त, उ यानि उत्कृष्ट और ज यानि जघन्य। तो इसलिए मूल गाथा में ही बा प उ बा सु प उ वगैरह वगैरह। द्विंद्रिय के लिए भी क्या लिखा उन्होंने, बीबी वर बीबी जघन्य, बीबी यानि हाँ द्विंद्रिय पर्याप्त, द्विंद्रिय अपर्याप्त, उसको यहाँ सब बता दिया है। गाथा नंबर है 148।